नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि इस वीडियो में किस तरह से हमें स्पीड प्लस सॉफ्टवेयर का बैकअप लेना है। कई लोगों की यह समस्या होती है कि हमारा सॉफ्टवेयर में उनको ये जानकारी चाहिए है कि बैकअप कैसे लिया जाता है, या कि कभी कभी वो बिना बात किए हमसे फॉर्मेट करा लेते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली चीज़ हम इसमें चार चीज़ें समझेंगे इस वीडियो में कि हमारा सॉफ्टवेयर कहाँ से चल रहा है, उसका डेटा कहाँ पे है, और उसका बैकअप कैसे लेना है, और उसको दोबारा स्टोर कैसे करना है। मतलब कि अगर आपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करा रहे हो तो हमें क्या प्रिकॉशन करना है, और या हमें दूसरे कंप्यूटर में डालना है तो हमें क्या करना होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर में क्या चीज़ें हैं, कहाँ से हैं। यह स्पीड प्लस का एक आइकॉन होता है जो डेस्कटॉप पे आपके होता है। हम अगर इसके ऊपर राइट सेलेक्ट करते हैं, एक बार सिंपल हमने एक बार इसमें क्लिक किया और उसके ऊपर राइट क्लिक किया माउस से, तो यह विंडो आ जाती है। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी में जाते हैं। जब प्रॉपर्टी में जाते हैं तो हमें यह एक विंडो आती है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि डी के अंदर स्पीड प्लस 8.0 के अंदर स्पीड प्लस हमारा 8 की EXE है। मतलब हमारा सॉफ्टवेयर कहाँ है कि डी के अंदर है। तो यहाँ से हमें यह बात पता चल जाती है। हम इसको जाके डी में देखेंगे कि स्पीड प्लस हमारा सॉफ्टवेयर है या नहीं है वहाँ पे। तो हमने माई कंप्यूटर ओपन किया। माई कंप्यूटर ओपन करने के बाद डी ड्राइव में गए हम। यहाँ पे हम पाते हैं कि हमारा स्पीड प्लस 8.0 ये फोल्डर है हमें, ठीक है। तो ये तो हो गई हमें पता लगाने की बात कि हमारा सॉफ्टवेयर चल कहाँ से रहा है, ठीक है। अब इसको हम ओपन करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें बैकअप वाला यह फोल्डर जो होता है ऑटोमेटिक बैकअप बनाता है, और यह फोल्डर आपका डेटा का होता है। अगर आप कभी भी हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, अगर तो कंप्यूटर फॉर्मेट कराते हैं, या कि नहीं भी यूज़ करते तब भी कंप्यूटर फॉर्मेट कराते हैं, किसी का भी कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करिए, तो उसका सॉफ्टवेयर हमेशा कॉपी कर लीजिए आप। जैसे हमारा यह स्पीड प्लस का फोल्डर, हमने अगर इसको कॉपी कर लिया तो हम जब फॉर्मेट भी कराएंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है, एक बात। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर हमने हर बार यह फोल्डर कॉपी नहीं करना चाहते हैं और हम सिर्फ डेटा अपना मेल में रखना चाहते हैं कि इंटरनेट पे हम रख दें, मेल कर लें हम अपने आप को, तो ये डेटा फोल्डर जो होता है ये आपका कंप्लीट डेटा होता है। मतलब अगर आपने इसको कॉपी करके कहीं रख लिया तो अगर आप चाहते हो दूसरी जगह पे स्टोर करना अपना सॉफ्टवेयर, तो सिंपल इसको कॉपी करके आप रख सकते हो। इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे हमें दिखा रहा है डेटा 4, तो ये हमारा फोल्डर है डेटा का। इसी की तरह यह हमारा बैकअप का फोल्डर है। यहाँ पे बाकी ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं RPT फाइलें होती हैं। अब इसको हमने अगर बैकअप लेना है, मान लीजिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बैकअप का फोल्डर और ये डेटा का फोल्डर, इन दोनों को कॉपी करूँगा। कॉपी कैसे करूँगा, राइट क्लिक करूँगा इसके ऊपर तो यह विंडो आएगी। इसके बाद यहाँ पे कॉपी में क्लिक करूँगा। कॉपी किया मैंने और दूसरी ड्राइव, जैसे मान लीजिए मुझे दूसरी जगह कॉपी करना है या पेन ड्राइव पे कॉपी करना है, तो मैंने जैसे ई ड्राइव है ना, दिख रहा है ना दूसरी ड्राइव, तो उस पे हम जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा दूसरा जो डेटा कॉपी करने के बाद जो दूसरा फोल्डर बनता है वह बैकअप फोल्डर बनता है, वहाँ पे आपको ये डेटा मिल जाएगा। वापस से अगर सॉफ्टवेयर किसी दूसरे स्पीड प्लस फोल्डर के अंदर आप अपना ये डेटा का फोल्डर डाल देते हैं तो वापस से आपका डेटा उसमें दिखने लगता है। अब जब कभी मान लीजिए आपका सिस्टम फॉर्मेट होके आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डेटा हाउस की वेबसाइट ओपन करना है। यहाँ से www.datahousetechnology.com। आपको सॉफ्टवेयर नहीं चलाना है कि आप दोबारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, दोबारा इंस्टॉल करें, कभी नहीं करना है। आपको पहले एक बार जरूर हमसे बात कर लेना है, देन उसके बाद आप डाउनलोड सपोर्ट को डाउनलोड कर लीजिए और इसको इंस्टॉल बस कर दीजिए। मतलब कि आपने अगर कंप्यूटर फॉर्मेट कराया है तो आपको दोबारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको सपोर्ट फाइल चलाने की जरूरत होती है। और इसके अलावा आप आते हैं नीचे, देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे स्पीड प्लस हो गया 8.0। इसके अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट फाइल होती हैं यही दो फाइलें, डेटा और आपका
बैकअप, और पूरा अगर कंप्लीट फॉर्मेट करा रहे हो तो ये तो पूरा पूरा फोल्डर ही कॉपी कर लीजिए, इसको बस जब सिंपल कॉपी करिए और दूसरी ड्राइव जहाँ भी आपकी पेन ड्राइव है उसमें ले जाके आप पेस्ट कर दीजिए, तो आपको कभी डेटा लॉस हो ही नहीं सकता है। इसके अलावा जब भी सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो बैकअप सॉफ्टवेयर अपने आप लेता है, आप इसका बैकअप गूगल ड्राइव में भी रख सकते हो, ईमेल में रख सकते हो, पेन ड्राइव में कॉपी कर सकते हो। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी या प्रॉब्लम है या कि कुछ पूछना चाहते हो आप, तो हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपको इसके बारे में पूरा गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यह तो रही बैकअप लेने की बात, और अगर हमें टेक्निकल सपोर्ट के लिए आपको कॉल करना है तो आप कॉल करिए, पहले यह सॉफ्टवेयर QoS जरूर डाउनलोड कर लीजिए, इसको डाउनलोड करके रन कर लीजिए। और जैसे मैंने इसको भी डाउनलोड किया, यह डाउनलोड हो रहा है, इसको मैं सिंपल ओपन करूँगा, ये मैंने ओपन किया, ओपन करते ही यह रन के लिए पूछेगा, रन में मैं क्लिक करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट करने के बाद आइए एक्सेप्ट में क्लिक करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, और नेक्स्ट करते ही यह स्क्रीन मेरे सामने आ जाती है। मुझे फ़ोन पे नंबर बताना होगा कि मुझे सामने से सपोर्ट मिल सके, मेरी कंपनी के द्वारा आपको सपोर्ट मिल सके। तो आपने खाली ये नंबर बताओगे 1142330602 और पासवर्ड 1178, तो वहाँ से सामने से आपको कनेक्ट कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको टेक्निकल सपोर्ट मिलता है। ये आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपको कुछ कमेंट लिखना है या कि कुछ आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।